हाँ जी बिल्कुल, कल मुल्क भर की तरह टंडो आज़म में भी आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में मैं इस वक्त टंडो आज़म के बाज़ारों में निकला हूँ। आज जो अपने जो शहरी हैं टंडो आज़म के दुकानदार हज़रात हैं, इनसे उनकी राय जानते हैं कि किन पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किन उम्मीदवार को वोट देंगे टंडो आज़म से। सर इंशाल्लाह हम GDA को सपोर्ट कर रहे हैं BN यूथ विंग की तरफ से, और इंशाल्लाह हमारा भरपूर तावन होगा BN यूथ विंग टंडो आज़म की तरफ से, और इंशाल्लाह हमें अपनी पूरी BN बिरादरी समेत जो है GDA की फुल हिमायत की है हमने। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक जलसा मुंतकिल किया था, उसके अंदर हमने मोहतरमा सायरा बानो को भी बुलवाया था और PS 43 के उम्मीदवार नियाल हुसैन मरी साहब को भी बुलवाया था अपने पास। तो हमने GDA के अंदर जिस तरह ऐलान किया था, इंशाल्लाह उसी तरह से हम फुल सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह कल बरोज 8 फरवरी जुमेरात के दिन इंशाल्लाह जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट कास्ट कराएंगे और GDA के तारे पर मोहर लगा के इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। सर इंशाल्लाह हम टंडो आज़म में GDA को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे उनके साथ इत्तेहाद है। इंशाल्लाह GDA वालों को हम जिताएंगे भरपूर तरीके से, और इंशाल्लाह जीत भी इनकी होगी। और ये कहना चाहता हूँ कि पुरअमन तरीके से माहौल को चलाया जाए, क्योंकि ये वोट एक दिन का है कि इससे वोट हम देंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो है ना PTI को देंगे इंशाल्लाह ताला। PTI को सपोर्ट करना पसंद करते हैं हम। क्यों, क्या वजह? वजह ये है कि भैया वो पार्लियामेंट में जब जाता है वो, तो वो यही बोलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अपने मना उसकी बात करता है, अपने दीन इस्लाम की बात करता है। और जब वो सऊदी अरब जाता है अरब ममालिक, तो वो पैसे नहीं मांगता फकीरों की तरह, तो वो ये बोलता है कि हमें जो है ना हमारे बंदे जो हैं वो छोड़ दो, हमें इस वजह से पसंद है। हम इंशाल्लाह जो है ना जो हक और सच पे होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। जनाब हमारे जो पूरे घराने के वोट जमात सलामी को जाएंगे और इंशाल्लाह इसी को सपोर्ट करेंगे हम। हम देंगे PP को वोट देंगे, हमारे जो शौकीन साहब है हमारे सरदार है, हम इंशाल्लाह PP को ही ताउन करेंगे। हम इंशाल्लाह PP को वोट देंगे और हमारी मलक बिरादरी के जो भी है सब इंशाल्लाह PP को वोट देंगे।